सप्त ऋषियों में प्रमुख ऋषि ऋषि कश्यप संसार के सभी जीवधारियों के उत्पत्ति के कारण है। उनकी अनेक भार्याओं में कद्रु और विनता उन्हें अधिक प्रिय थी। वे दोनों बहनें थीं, परंतु सदा एक दूसरे से ईर्ष्या और स्पर्धा करती थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान किया। वरदान स्वरूप कद्रु ने समान तेज से परिपूर्ण 1,000 पुत्रों की मांग की, तथा विनता ने कद्रु के समस्त पुत्रों से भी अधिक तेजस्वी और पराक्रमी ऐसे केवल 2 पुत्र मांगे। कालांतर में कद्रु को 1,000 तथा विनता को 2 अंडे प्राप्त हुए। 500 वर्ष की देखभाल के बाद कद्रु के सभी अंडों में से सर्प प्रकट हुए और कद्रु आनंद से झूम उठी। परंतु ये देख विनता अत्यंत क्रोधित हो उठी, क्योंकि उसके दोनों अंडे इतने समय पश्चात भी अखंड थे। ईर्ष्यावश विनता ने अपने एक अंडे को स्वयं ही तोड़ने का निर्णय लिया, परंतु अधीरता में किया गया यह कृत्य उसके लिए अत्यंत दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ। जैसे ही वह अंडा टूटा, उसमें से एक अविकसित बालक निकला, जिसके शरीर के निचले भाग का विकास अपूर्ण था। ये क्या किया आपने? अपनी बहन से सदैव स्पर्धा और ईर्ष्या के प्रभाव में आपने अपने ही पुत्र को ऐसी अवस्था में जन्म दे दिया। पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मेरी कदापि ऐसी मंशा नहीं थी। मेरा श्राप है आपको। अपनी जिस बहन से श्रेष्ठ होने के लिए आपने ऐसा अनर्थ किया, उसी बहन की दासी बनकर रहना होगा आपको। क्षमा कर दो पुत्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने दूसरे अंडे को समय अनुसार बढ़ने दीजिए। वो पुत्र भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका पूर्ण करेगा। इतना कहकर वह अपूर्ण बालक चला गया और विनता पश्चाताप में विलाप करती रह गई।